स्वर्गीय नंदलाल गुप्ता जी के द्वारा आत्महत्या की गई थी, जिससे पूर्व उनके द्वारा एक वीडियो बनाई गई थी, जिसके क्रम में थाना कोतवाली जनपद बलिया में मुकदमा अपराध संख्या 63/2023 को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा जा चुका है। बड़े रूप से आ रहा था, जिनमें एक देव नारायण सिंह उफ पुन्ना, अजय सिंह उफ सिंघाल और आलोक सिंह किया गया है। इन तीनों से आगे की पूछताछ में जो भी विवेचना से जुड़े बिंदु हैं उनका संकलन किया गया है। और नमस्कार, मैं शबीना परवीन और आप देख रहे हैं मेरे साथ भारत मीडिया। बलिया पुलिस के हत्थे चढ़े 3 सुदखोर आरोपी। खबर उत्तर प्रदेश के बलिया से। उत्तर प्रदेश के बलिया के चर्चित व्यापारी सुसाइड मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 और सुदखोरों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस 3 आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। मामले में अब तक कुछ 6 आरोपी पुलिस के गिरफ्त में है। बताया जा रहा है कि पुलिस ने रसरा के सिंधागर घाट के पास से आरोपियों को गिरफ्तार किया। यह आरोपी यमराज के नाम से सुदखोरी का गैंग चलाते थे। इनके पास से फॉर्च्यूनर कार भी बरामद हुई है। बता दें कि बंदूक व्यापारी नंदलाल ने सुदखोरों से तंग आकर आत्मदाह कर ली थी। मामले में मृतक की पत्नी ने लिखित आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई है। ऐसी ताजा खबरों के लिए बने रहे भारत मीडिया के साथ। भारत मीडिया के लिए बलिया से आसिफ खान की रिपोर्ट। स्वर्गीय नंदलाल गुप्ता जी के द्वारा आत्महत्या की गई थी, जिससे पूर्व उनके द्वारा एक वीडियो बनाई गई थी, जिसके क्रम में परिवार से प्राप्त तहरीर पर थाना कोतवाली जनपद बलिया में मुकदमा अपराध संख्या 63/2023 रजिस्टर किया गया था और अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए 4 टीमों का गठन किया गया था। इस संबंध में पूर्व में 3 अपराधियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा जा चुका है। इसी क्रम में हमारी एक और टीम को सफलता हासिल हुई है, जिसमें हमने 3 अन्य आरोपी जो कि इस मामले में जिनका नाम काफ़ी बड़े रूप से आ रहा था, जिनमें एक देव नारायण सिंह उफ पुन्ना, अजय सिंह उफ सिंघाल और आलोक सिंह, इन तीनों को गिरफ्तार किया गया है। इन तीनों से आगे की पूछताछ में जो भी विवेचना से जुड़े बिंदु हैं उनका संकलन किया गया है और इनको आगे न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। इसके अलावा रजिस्ट्रार से बात करके, जिलाधिकारी महोदया से बात करके, इनकी वाइफ की जो एक ज़मीन का मुआहदा लिखवाया गया था उसकी कैंसिलेशन की कार्रवाई आगे की जा रही है और जो पकड़े गए आरोपी हैं उनकी संपत्ति और अन्य जो भी उनकी आय के स्रोत हैं उनकी जांच करके उस पर एक अलग से कार्रवाई की जा रही है और इसके अलावा इसमें आगे गैंगस्टर करके उनकी संपत्ति जब्तीकरण की कार्रवाई भी बहुत जल्द अमल में लाई जाएगी। सर, जैसे कि लोग